एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? भाभी और मेरा अभी झगड़ा हो रहा था। भाभी भी नाइट ही पहनी है। मैं बोल रही हूँ ना कि भाभी साड़ी चेंज कर, तो बोल रही कि तुम अपना ही वीडियो बनाओ। अब सोचिए, बता, जेठानी अगर ऐसे बोली कि दुरानी को तो गुस्सा आना ही है। क्यों, मजाक कर रही हूँ। देखिए, आप लोग भी बोल दीजिए उनको जरा। बैठ एकदम परेशान है बेचारी। हम लोग का आधा काम निपट गया है और अभी बाबा से मैं मिलवाऊंगी। आप लोग ये देख रहे हैं, पूरा एकदम ग्लास कप सब बिखरा पड़ा हुआ है। अभी जस्ट हम दोनों लोग चाय पिए हैं बैठ के। उसके बाद कुछ कुछ काम है अभी जो बाकी है करना है। और बाहर हर कीर्तन हो रहा है तो मैं दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी आप लोग को दिखाऊं। बहुत भीड़ है, मैं बाहर अभी नहीं जा सकती, लेकिन जाऊंगी जरूर आप लोग के लिए और आप लोग को भी दिखाऊंगी और बाबा से भी मिलाऊंगी। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद साड़ी वाड़ी पहनने के बाद आपसे। अभी तो बस टेम्पररी यही सब पहन के घूम रही हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि साड़ी पहनना जरूरी इसलिए हो जाता है ना कि गांव में के लोग आते हैं तो फिर थोड़ा सा साड़ी में अच्छा लगता है। नहीं तो सब बोलेंगे कि एकदम अच्छी बहू है। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा माँ की जो वो लोग माँ की फैमिली में जो बड़े लोग हैं ना, वो लोग आने वाले हैं, तो मैं सोची कि चलो साड़ी ही पहन लेती हूँ। भाभी भी जा रही है पहनने, तो दोनों लोग साड़ी में आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। पहन ले साड़ी और किचन में आई हूँ मैं। आई हूँ इधर से, सब व्रत है ना, तो मैं बना रही हूँ शरबत थोड़ा सा सबके लिए। पूरा किचन बिखरा पड़ा है, देख रहे हैं, और आपको दिखा रही, आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को। दिखेगा नहीं आज, शायद बाहर जाना पड़ेगा। अभी दिखेगा नहीं, लेकिन मैं दिखाऊंगी सबको। और यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ फिर से, क्योंकि बाहर कोई किसी के लिए खाना बनाना था, तो भैया बोले कि थोड़ा खाना बना दो, तो मैं सब्जी और रोटी बना रही, क्योंकि बच्चों के लिए लंच जो मैं बनाई थी वो बच्चे लेकर चले गए थे और खाना तो घर में मुझे बनाना नहीं था। और यहाँ पे माया भाभी खड़ी है, वो जिद करके बोली कि नहीं, अकेले बैठना अच्छा नहीं लगता है, मैं भी किचन में ही रहूंगी। तो मैं बोली कि चलिए, बहुत दिनों के बाद थोड़ा बातें भी हो जाएंगी। और पीछे जो हर कीर्तन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए ये खाना बन के करीब करीब रेडी ही हो गया है। ये सब्जी है और ये प्रसाद के लिए है। और हमारे यहाँ जो भोजपुरी सिंगर गोपाल राय हैं, आज वो आए हुए हैं, तो उनके गाने के देखने के चक्कर में थोड़ा सा जल्दी जल्दी लगा हुआ है कि उनका उनको देखा जाए आज कि कैसा वो गाते हैं। बहुत दिनों के बाद आए हुए हैं हमारे और यहाँ पे मैंने बाबा के लिए जो खाना बना के रखना था वो मैं रख चुकी हूँ। चार पांच सब्जियां हैं जो कि बाबा मतलब घी में बना के खाते, मतलब बनता है उनके लिए। और ये हैं उनके, क्या बोलेंगे, जैसे कि सेक्रेटरी बोले या फिर जो भी, वो चेक कर रहे हैं सारे खानों को कि उनके खाने लायक है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत एजेड है, उनको मतलब बहुत नरम खाना खाना होता है। और माँ यहाँ परेशान है कि कोई चीज कमी ना रह जाए किसी चीज में। होता है ना कि घर में बड़े लोग होते हैं तो उनको ये चीज लगता है कि कोई चीज कमी ना हो जाए। और ये बाबा खाना खाते खाते सारे लोग जो बैठे हुए हैं अगल बगल सबकी फरियाद सुनने में लगे हुए हैं। और उसके बाद अब बिल्कुल ये बजरंग बली तरह मुझे लगते हैं, क्योंकि उन्हीं के ये भक्त हैं।
सबसे बड़ी बात आस्था की होती है। हमारे घर में इनके ऊपर बहुत आस्था है लोगों की। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़े, यहाँ पे गोपाल राय ग्रीन कुर्ते में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इनके भक्त हैं और दूर दूर से आते हैं। अभी बाहर बहुत लोग बैठे हुए थे मिलने के लिए, लेकिन बारी बारी से ही मिलना हो पाता है यहाँ पे। और सब लोग कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं कि बाबा ऐसे कब होगा, वैसे कब होगा। हम लोग भैया से बोले कि भैया हम लोग की बारी कब आएगी, तो बोले कि हाँ हाँ बस सबको मिल लेने दो, उसके बाद तुम लोग तो मतलब घर के ही हो, मिल लेना आराम से बैठ के। और अच्छा भी लगता है किसी साधु संत का पैर अपने घर में अगर आ जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होती है हमारे लिए। यहाँ पे सारे लोग के मिलने के बाद हम लोग की बारी आई हुई है। यहाँ पे हम लोग सब लोग प्रणाम करके और खड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो साइड में फूल माला लिए हुए हैं वो बलिया में सेंट जोवियस स्कूल है, उनके ये डायरेक्टर हैं और ये बहुत बड़े भक्त हैं इस बाबा के। और सारे लोग मतलब एक होता है ना कि ये सबकी आस्था है इनके ऊपर, कुछ ना कुछ किसको जो प्रॉब्लम होती है वो पूछते हैं। वैसे तो ये ज्यादा बाबा बताते ही नहीं है कि क्या करना है, सब बोलते हैं सारा काम अपना कर्म कीजिए, ये कहते हैं। बहुत तेज से बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत जोरों से बारिश। बाबा भी चले गए हैं और अभी कितने बज गए हैं, छह बज गए हैं। और गुनगुन भी मेरे साथ खड़ी है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत तेज सुंदर हवा आ रही है, किसी कर दो एक मम्मी को, मुझे चेहरे से ही लग रहा है कितने थके हुए हैं। दरअसल ना बहुत सुबह सुबह उठ जाना है, सब बहुत सारा काम था, तो सारा निपट गया अच्छे से, बहुत सुकून मिल रहा है। और दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को बारिश, अभी देखिए बहुत जोरों की बारिश हो रही है। ये पूरा टेंट वेंट सब भीग गया है, लेकिन बहुत अच्छी हवा आ रही है। पता है क्या होता है, कोई भी काम अगर मतलब शुरुआत करो अच्छे से, निपट नहीं ज्यादा जब तक ना, तब तक मुझे एकदम चैन नहीं मिलता है। आज बहुत मतलब बहुत वो था, भीड़ थी, ऊपर से बहुत ज्यादा काम भी था, लेकिन सब अच्छे से बहुत अच्छे से हो गया। 6:30 बजे तक सारा चीज निपट गया है, खाना वाना भी हो गया है, मैंने किचन समेट भी दिया है, सब्जी वब्जी बहुत बच गई थी तो फ्रिज में मैंने सारा लगा दिया है। और सोची कि चलो आप लोगों से बातें कर लूँ, आज तो मैं बातें भी नहीं कर पाई ज्यादा, वैसे तो चपड़ चपड़ करती रहती हूँ। और सब बहुत अच्छे से हो गया, बहुत सुकून मिल रहा है। और अचानक से मौसम भी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत गर्मी थी आज दोपहर में, देख रहे पूरे पसीने पसीने में हो गई हूँ बिल्कुल। और एकदम और बाबा से दर्शन हो जाता है तो एकदम जैसे लगता है कि कितनी मतलब हम लोग मानते हैं इन्हें बहुत, मतलब जब से हमारे घर में आए हैं तब से एक होता है ना कि उनके आने से हमारे घर में बरकत हुई है हमेशा से, तो हम लोग बहुत उनके एक तरह से कहेंगे फैन है। तो यही सब है, बहुत अच्छे से सब। और बच्चे भी खाना वाना खा लिया, बच्चों को तो हम बोले थे कि छुट्टी कर लेना, पर कोई छुट्टी नहीं किया, एक तरह से अच्छा ही हुआ ना, बहुत काम था। गुनगुन भी बोली मम्मी मुझे भी जाना है, तो वैसे भी ज़्यादातर कार्यक्रम था 1 बजे के बाद ही का था, तो फिर गुनगुन भी आ गई, उसके बाद खेल रही है अभी, सब खाना वाना खा के। और सारे लोग एकदम जैसे लग रहा था ना कि कितने देर से थके हुए, काम कोई और करता है और थकता कोई और है। और भाभी की एक बेटी आई है उमंग, तो उनके साथ सारे लोग खेल रहे हैं बैठ के, भाभी भी आई थी चली गई। तो चलिए गाइस, मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। पहले के लोग कहते थे ना कि ठेंगा दिखा देना, आजकल वही ठेंगी का इतना मतलब होता है लाइक करो। मजाक कर रही हूँ पर है फैक्ट ही ये बात। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।